स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी आर रियल गार्डनिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लांट के बारे में जो बेहद ही खूबसूरत होने के साथ साथ बेहतरीन डिजाइन के लिए जाना जाता है। आप अगर महंगे पेड़ों के शौकीन हैं तो आप इसे अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। तो बात कर रहे हैं हम फाइकस बोनसाई के बारे में। तो आप देखिए इसका डिजाइन ग्राफ्टिंग विधि द्वारा इसे तैयार किया जाता है। तो शुरुआत में इसको तैयार करने के लिए एक पॉट में गमले में लगाया जाता है, फिर इसकी बडिंग करते करते ये ऐसे आकर्षक डिजाइन प्रदान किया जाता है एक गमले से दूसरे गमले में शिफ्ट कर करके। बहुत ही कॉस्टली है ये पेड़। बात करेंगे इसकी प्राइस की, तो ये अप्रोच छोटी हाइट के 1000 रुपये से स्टार्टिंग होके और 5 फुट 6 इंच या उससे 6 फुट की हाइट तक ये पेड़ उपलब्ध है नर्सरियों में। और इसका प्राइस 5 से 6 फुट वाली नर्सरी जो होती हैं पेड़ बोनसाई की, उनका 1 लाख प्लस 1.5 लाख तक जाता है इसका प्राइस। और इसका प्राइस निर्भर करता है इसके बेहतरीन डिजाइन और जो लुक होता है इसका अलग अलग उसके ऊपर निर्धारित होता है। जैसे आप ये पेड़ जो आप देख पा रहे हैं इसकी ग्रीन पत्तियाँ और बेहतरीन डिजाइन है इसका, अभी कटिंग नहीं हुई इसलिए ये देखिए आपस में टपारियाँ मिल गई हैं और जल्दी ही इसकी कटिंग का वीडियो हम आपको देंगे। तो बने रहिए अंत तक मेरे वीडियो में। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही बेहतरीन जानकारियाँ हम आपको देते रहते हैं समय समय पर। तो आप जब भी इसे ख़रीदने जाएँ मनर्सरी में तो आप दो बातों का ध्यान रखें कि जैसे इसमें कोई रोग ना लगा हो पहले से। देखिए पत्तियाँ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, और दीमक का प्रकोप पहले से ना हो पर्याप्त देख लीजिए और देख सुन के ही खरीदिए। तो बहुत ही कास्टली पेड़ है इसलिए इसको ख़रीदते समय सावधानियां बरतनी आवश्यक है। अब बात करेंगे इसकी रोपाई की, तो इसकी आप रोपाई जहां पर भी करना चाह रहे हैं उसकी जो तना है आपका नीचे का हिस्सा उसके आकार का बढ़िया सा एक गड्ढा बना लें और उसमें नीम की खली और गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट आप तीनों का मिश्रण कर सकते हैं। इसके बाद जब मिश्रण करने के बाद जब आप उसकी रोपाई करेंगे तो अच्छी ग्रोथ लेगा, अच्छी जो इसकी ग्रीन पत्तियां हैं वो आपको मतलब जो है बहुत अच्छी लगेंगी, अच्छी ग्रोथ लेगा कुल मिला के। तो ये देखिए जो सामने छोटा सा पौधा दिख रहा है इसको हम लोगों द्वारा तैयार किया जा रहा है। अभी यहाँ पे एक पेड़ जो लगा हुआ था वो डैमेज हो गया था, तो ये केयर बहुत मांगता है, केयरफुली पौधा है, केयर करना बहुत ज़रूरी है इसकी। पानी समय समय पर देते रहिए, अगर छोटे गमले वाले बोनसाई हैं तो उनमें पर्याप्त नमी बरकरार रहनी चाहिए, बहुत अधिक पानी भी ना दें जिससे कि जड़ें सूख जाती हैं, और विशेष ध्यान रखना पड़ता है इसका। इस पेड़ को दीमक से बचाव के लिए समय समय पर दवाई का छिड़काव करते रहिए आप लोग। देखिए दीमक वैसे तो हर पेड़ के लिए हानिकारक होती है मगर बोनसाई काफ़ी महंगा पेड़ है तो इसकी केयर भी काफ़ी केयरफुली पेड़ है, तो केयर करने के लिए आप इसको कुछ विशेष सावधानियां बरतते रहिए। जैसे पत्तियों में जो एक फंगी साइड का छिड़काव लगातार करते रहिए, देखिए फफूंद जम जाती है इस पर वाइट वाइट कलर की, तो उसको नॉर्मली कोई अगर आप ले लेंगे कीटनाशक जैसे कि कमांडो वगैरह तो उससे भी काफ़ी हद तक ये स्वस्थ बना रहेगा, नहीं लगेंगे कीड़े। और आप जड़ों में अगर इसका दीमक का प्रकोप देखें तो इसकी भी समय समय पर पानी गुड़ाई करने के साथ साथ आप बोरेक्स पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे ज़मीन में भी डाल के और उसकी गुड़ाई कर देंगे अगर पानी लगा देंगे तो दीमक का प्रकोप ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी विधि से अगर कहीं दीमक दिख रही है छिड़काव अगर करना चाह रहे तो आप इसका घोल बना के और जो मशीन होती है छिड़काव वाली
उससे भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और काट छांट इसकी बहुत ज़रूरी होती है, बरसात के महीने में तो दो बार कम से कम इसकी कटिंग अवश्य करें, नहीं तो ये पेड़ जो सीधा खड़ा होने के कारण आकर्षक लुक देता है, तो अगर एक तरफ को जो पत्तियों की ओवरलोडिंग के कारण झुक जाएगा तो वो जो बेहतरीन लुक आप चाहते हैं इससे वो नहीं मिल पाएगा आपको। तो ये डिज़ाइन ग्राफ्टिंग विधि द्वारा तैयार की जाती है, ऐसा पेड़ बनाया जाता है, प्राकृतिक बिल्कुल नहीं है, नेचुरल नहीं है, ये बनाया गया पेड़ है ऐसा। तो आप इसे अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं, इससे बहुत स्वास्थ्य लाभ भी आपको मिलते हैं, बहुत ही अच्छी ऑक्सीजन प्रदान करता है पेड़। और आपके एक बार लगाने पर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला पेड़ है। तो आपने मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।